और दोस्तों मंदिर का छत आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मंदिर का छत भी पत्थर से ही बना हुआ है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुनील और आप देख रहे हैं अपने भाई का चैनल। दोस्तों, क्या किसी मंदिर का निर्माण केवल पत्थर से हो सकता है? न सीमेंट, न रेत, न ईंट, केवल पत्थर। काफ़ी सारे भाइयों को लग रहा होगा कि ये तो मुश्किल है, लेकिन दोस्तों मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, जिस मंदिर पे खड़ा हूँ, उस मंदिर का नाम है लिपक्षी टेम्पल और ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के एक छोटे से गांव में स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण पूरा का पूरा पत्थर से हुआ है दोस्तों, और आपको मैं दिखाता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मेरे पीछे के दीवार देख सकते हो, और मैं आपको पूरा मंदिर दिखाऊंगा, आप देख लेना। और काफ़ी सारे कलाकारी की गई है पत्थरों में, वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। ये देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। मैं अभी मंदिर के मेन गेट से अंदर जाता हूं और आपको अंदर मंदिर के अंदर के नज़ारे दिखाता हूं। पूरा का पूरा मंदिर आपको पत्थर से ही बना हुआ दिखेगा। ये दोस्तों इस मंदिर का मुख्य द्वार है, इससे अभी मैं अंदर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, आपको कहीं से भी ईंट, पत्थर या सीमेंट का कहीं भी नज़र नहीं आएगा। आप देख सकते हो पूरा का पूरा मंदिर दोस्तों पत्थर से ही बना हुआ है। और काफ़ी साफ सुथरा मंदिर भी है, आप देख सकते हो। दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। और दोस्तों मंदिर का छत आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मंदिर का छत भी पत्थर से ही बना हुआ है, आप देख सकते हो। दोस्तों पूरा मंदिर घूम लेंगे आपको, लेकिन आपको कहीं पे भी ईंट, सीमेंट और रेत इन सब चीज़ों का नामो निशान नहीं मिलेगा। पूरा का पूरा मंदिर ये जो है पत्थर से ही बना हुआ है, काफ़ी अद्भुत मंदिर है दोस्तों। और दक्षिण भारत के फेमस मंदिरों में से एक ये लिपक्षी टेम्पल भी है, और आप देख सकते हैं दोस्तों पूरा का पूरा मंदिर के नज़ारे कुछ इस तरह के। श्री राम के पदचिन्ह भी है यहाँ, पैरों के निशान देख सकते हो। अरे कबूतरी जा जा, इधर काहे उड़ रहा है? कुकड़ुको कुकड़ुको कबूतर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
आज का ब्लॉग आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को सपोर्ट जरूर करना। मैं मिलता हूँ एक और नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए अपने भाई का चैनल। टेक केयर एंड टाटा, बाय बाय।